आप हमेशा किसी को सपोर्ट करते हुए नजर आए, कोई कुछ गलत करता है उसके खिलाफ बोलते हुए नजर आए। हमें ये भी पता चला है कि आपको धमकी मिल रही है कंटिन्यूअसली, तो इस पे थोड़ा बताइए कि क्या हो रहा है, और एल्विश के रिगार्डिंग काफी न्यूज आ रही है, तो क्या क्या कहना देखिए, चाहेंगे उस सबसे बारे पहले तो में? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि क्या हो रहा है। मैं भी पूछना चाहता हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। इस तरह की गुंडागर्दी पूरे देश में हो रही है, इस तरह की गुंडागर्दी का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, लोगों को धमकी आ रही हैं। एल्विश यादव जैसा इंसान जो पता नहीं यूट्यूबर है या गुंडा है, समझ में नहीं आता है। मैक्सटन जैसे सीधे साधे भोले भाले इंसान को उसने, आपने देखा किस तरह मारा सबके सामने घुस के, और इस तरह का नामर्दी की निशानी है एल्विश यादव की। मैं कहना चाहता हूँ कि 10 10 15 15 लोग जाके एक मासूम लड़के को मार रहे हैं, जो छोटा सा यूट्यूबर है, जो इतना वायरल था, मैक्सटन उसकी इंसल्ट कर रहा है, उसे कुत्ते की तरह मार रहा है, उसके फादर आंसुओं से रो रहा है, और हो क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। उससे पहले जयपुर में किसी इवेंट में एल्विश गया था, तो जयपुर में एक इंसान को रेस्टोरेंट के अंदर उसने सबके सामने 10 10 20 20 लोगों के साथ जाके मारा, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हो रहा है। फिर मुझे बैक टू बैक धमकी आ रही हैं, ईमेल्स में धमकी आ रही हैं। कल मैंने कमिश्नर ऑफिस में 5 कॉपी, टू बी ऑनेस्ट, 5 कॉपी मैंने उसकी दी हैं, जिसमें व्हाट्सएप चैट है, व्हाट्सएप कॉल्स हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम्स हैं। मतलब इतनी लिटरली ऐसी ऐसी गालियाँ मुझे आ रही हैं, ऐसी धमकी आ रही हैं। मैं परेशान आ गया हूँ ज़िंदगी से, इस चीज़ों से, इसलिए मैंने कमिश्नर ऑफिस में भी कल कंप्लेन करी है। आप ये देखिए, कमिश्नर ऑफिस के पूरे डिटेल्स इसमें मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये मेरे रिसीविंग, मेरी भी साइन है, उनकी रिसीविंग है। मतलब एक और कंप्लेन मैंने कर दी है यार, कितनी कंप्लेन मैं करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ का अंत क्या है, इस चीज़ का हल होने क्या वाला है। इतना बड़ा छपरी एल्विश यादव है, उसको जो लोग फॉलो कर रहे हैं, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश में हो क्या रहा है। काफी फेमस है, जैसे आपने कहा मैक्सिम का नाम लिया, लेकिन वो फिर से वापस फ्रेंडशिप हो गए, उनका दोस्ती हो गया है, तो वो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो ऐसे ही मतलब सबको मारते हैं फिर दोस्ती करते हैं? नहीं, देखिए एल्विश का गुंडा राज, उसको मालूम है कि मैं गुंडा हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। मैक्सटन जैसा सीधे साधे, उसका फादर आंसुओं से रो रहा है। मैक्सटन को जब मारा, उसके पास, उसकी फैमिली के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने दोस्ती कर ली। अगर कोई बराबरी का इंसान होता तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि एल्विश यादव को क्या क्या इस इंडिया के लोग इतने जाहिल गंवार हो गए, इसलिए इसलिए कि एल्विश यादव का क्रेज़ बढ़ रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ इस देश से, कितने डॉक्टर्स एल्विश यादव को फॉलो कर रहे हैं, कितने पायलट एल्विश यादव को फॉलो कर रहे हैं, कितने MBA स्टूडेंट एल्विश यादव को फॉलो कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कौन उसके फॉलोअर्स हैं, कौन उसको फॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ कब तक होगी? और मैं आपको बता दूं, मुझे मेंटली इतना टॉर्चर करा जा रहा है कि मैं अपने काम पे से फोकस मेरा हट गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही चलता रहा तो एक दिन मुझे सुसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एल्विश यादव का प्रेशर इतना मेरे ऊपर आ रहा है, और कल को मैं सुसाइड कर लेता हूँ, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एल्विश यादव की होगी। आप बताइए कब तक ऐसी टॉर्चर वाली जिंदगी से मैं गुजरूँ? बैक टू बैक ईमेल्स, कॉल, व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, कहीं जा रहा हूँ तो लोग बोल रहे हैं एल्विश का अगला टारगेट तुम हो। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ एल्विश यादव की, सबसे बड़ा खुलासा करता हूँ, बिग बॉस एल्विश यादव कैसे जीता है। बिग बॉस OTT में एक से बढ़कर एक छपरी, एक से बढ़कर एक नल्ले कंटेस्टेंट को लिया था, और एक कहावत आपने सुनी होगी, अंधों में काला राजा होता है। अंधों में काला राजा एल्विश यादव था, कोई उसके बराबरी का नहीं था, सब उससे बात करने में डरते थे, इसलिए एल्विश यादव को बिग बॉस OTT का विनर बनाया गया। और मुझे समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ कब तक चलेगी, गुंडागर्दी कब खत्म होगी। आपने कहा कि एल्विश के खिलाफ काफी केस दर्ज हुआ जी, तो उस पे क्या पुलिस पुलिस एक्शन लेती है या क्या? 14 डेज की कस्टडी में एल्विश को भी लिया था। कैसी कस्टडी थी, 4 दिन में घर आ गया था, फिर होली आ रही थी तो होली उसने सेलिब्रेशन में चला गया था। समझ में नहीं आ रहा है कि उस पर कैसी, अभी देखिए फिर से एक केस उस पर रजिस्टर्ड हो गया है जो मैंने कर दिया है। अभी इस पर क्या कानून कार्रवाई करेगा डिपेंड करता है। कल कमिश्नर ऑफिस में मैं रात में 12 बजे तक था, वहाँ मैंने सब उनको डिटेल बताई कि सर ऐसा कुछ हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि अभी वो मेरे पीछे लगा हुआ है और मुझे मजबूर कर रहा है मेंटली टॉर्चर करके कि मैं डिप्रेशन में आ जाऊँ और एक दिन में सुसाइड कर लूँ, और उसकी जिम्मेदारी पूरी एल्विश यादव की हो जाए। अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस चीज़ से कैसे दूर जाऊँ या चीज़ कैसे खत्म होगी। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी सपोर्ट कर रही है एल्विश को, आप ये कहना चाहते हैं कि 14 दिन के लिए वो अंदर थे फिर वापस उनको बाहर कर दिया? देखिए पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही, पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन ऐसे क्या सोर्सेज हैं एल्विश यादव के पास जिसकी वजह से वो बाहर आ जाता है, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग उसे फॉलो कर रहे हैं? बॉम्बे कब छुप के आता है, छुप के जाता है, स्नेक वेनम केस में उसका इतनी बार नाम आ चुका है, लोगों को दिख नहीं रहा है कि एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का इंसान है और उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और कौन लोग उसको फॉलो कर रहा है? मैं कहना चाहता हूँ इंडिया के लोगों से, आपको कुछ नहीं पता उसमें प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आप समझना नहीं चाहते उसमें प्रॉब्लम है। मुझे कुछ नहीं पता प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं सीखना ही नहीं चाहता उसमें प्रॉब्लम है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं सो प्लीज़ पढ़े लिखे लोगों के एडवाइस लीजिए, अगर आप समझदार नहीं हैं तो समझदार लोगों के एडवाइस लीजिए,
उन लोगों को फॉलो करिए जिन्होंने देश के लिए कुछ करा है। सचिन तेंदुलकर भी इस देश मुंबई के रहने वाले हैं, उनको फॉलो करिए। सानिया मिर्जा भी इंडिया की रहने वाली है, उनको फॉलो करिए। इतने ऐसे ऐसे लेजेंड लोग हैं, शाहरुख खान है, सलमान खान है, जिन्होंने इस देश के लिए कुछ करा है, जिन्होंने आगे बढ़ाया, देश का नाम रोशन करा है, उनको फॉलो करिए, ना कि ऐसे लोगों जिससे आपका नाम भी खराब हो रहा है। और इससे यह भी पता लगता है कि इंडिया किस लेवल पर जा रहा है, इंडिया के लोग किस लेवल पर हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं। मैंने कमिश्नर ऑफिस में सब कुछ बता दिया है कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, और अगर ये कंटिन्यू होता रहा तो मुझे लग रहा है एक दिन मुझे सुसाइड करना पड़ेगा अगर ये सब होता रहा तो। जब तक उसके अगेंस्ट स्ट्रांगली एक्शन नहीं लिया जाएगा, उसको अरेस्ट करके जेल नहीं भेजा जाएगा, और या उससे रिटर्न में मुझे नहीं मिलेगा कि आप फैजान को हम कभी भी कुछ नहीं करेंगे या कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो जहाँ भी जाता है लोगों पर हमला कर रहा है और उसका कुछ नहीं होता है। ना जयपुर में उसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ, ना आप देखिए मैक्सटन को मारा था तो भी पता नहीं कैसा केस था, मैक्सटन ने खुद ही उससे माफ़ी मांग ली, मैक्सटन को इतना डरा दिया था, मैक्सटन की पूरी इज्जत खराब करके, और समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो मैं इसलिए सबके से ये बस रिक्वेस्ट है पूरी देश की जनता से कि प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए। मैं अभी बहुत प्रॉब्लम के दौर से, बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहा हूँ, आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी।